स्टेशन शिवम अग्रवाल जी जो भी पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। बाकी हमारे संघ यहाँ पर अपने महाराष्ट्र स्वयं सेवक संघ वाले लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा साथ में यहाँ का जो सिविल डिफेंस वाले हैं वो भी पूरा तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और लगभग लगभग सुबह से अब तक 5 से 6 हज़ार आदमी यहाँ से दर्शन करके जा चुका है। पूरी बड़ी बढ़िया व्यवस्था है और यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ रही है क्योंकि बाबा का अद्भुत दर्शन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। और सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर लोगों का अभिषेक करना शुरू हो गया और लगभग शाम के 7 बजे तक होगा। कल इसके बाद भंडारे की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर सब खुशी का माहौल है, शांति है। और यहाँ पर सभी लोगों की प्रार्थना है कि हमारे बरेली का सौंदर्य बना रहे और सुबह से यहाँ पे देशभक्ति एवं बाबा के दोनों ही गीत और भजन चल रहे हैं। और पूरी कमेटी जो बाबा त्रिवेणीनाथ कमेटी है, श्री प्रताप सिंह सेठ जी है, पूरी तरीके से यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है और सब मंदिर का सवाल कर रहा है। आज कार्यक्रम के ये महर्षि दयानंद सरस्वती को बोध प्राप्त हुआ था, ज्ञान हुआ था सिलतेरस वाले दिन कि उन्होंने ये सोचा था कि सच्चा शिव क्या है, तो उन्होंने सच्चे शिव की खोज की। भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक जो महर्षि दयानंद की बात मानता है, किंतु न्यूटन को मान सकता है, सबको मान सकता है, महर्षि दयानंद की बात को मानना पसंद नहीं करता क्योंकि उन्होंने सच्चे शिव की खोज की। अगर महर्षि दयानंद की बात मान ले कि उन्होंने सच्चे शिव की खोज की तो हर भारतीय का कल्याण हो जाएगा। ये बोध उत्सव ऋषि दयानंद के सिद्धि।